हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है मैक्रोटोमी, जो एमएससी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारे आज का टॉपिक है मैक्रोटोमी। माइक्रोटोमी यानी स्मॉल सेक्शंस में काटना किसी भी चीज़ को, तो स्मॉल सेक्शन में काटना माइक्रोटोमी कहते हैं। यह पैराफिन वैक्स में इम्बेंडिंग करने के बाद टिश्यू के बेहद थिन हिस्से को काटने के लिए यूज़ की जाने वाली टेक्निक, मतलब पतले हिस्से को काटने के लिए यह टेक्निक यूज़ की जाती है। इस टेक्निक का यूज़ हिस्टोपैथोलॉजी में किया जाता है। विभिन्न टाइप के माइक्रोटोम उपलब्ध हैं। नियमित हिस्टोपैथोलॉजी के लिए सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाला माइक्रोटोम जो होता है वह रोटरी माइक्रोटोम। यह सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाला माइक्रोटोम है। एक रोटरी माइक्रोटोम में चाकू आमतौर पर एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तय होता है। एडवांटेज यानी लाभ, मशीन भारी है इसलिए यह स्थिर है और काटने के दौरान वाइब्रेट नहीं होती है। सीरियल सेक्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। कटिंग एंगल एंड निप एंगल को एडजस्ट किया जाता है, मतलब चाकू के एंगल को एडजस्ट किया जाता है। एक रोटरी माइक्रोटोम के लिए विशिष्ट कट मोटाई 1 to 7 माइक्रो एम के बीच होती है। स्लेज माइक्रोटोम, माइक्रोटोम के इस डिज़ाइन के लिए आवेदन लार्ज सैंपल को तैयार किया जाता है, मतलब लंबे सैंपल को तैयार किया जाता है। इस स्लेज माइक्रोटोम पर प्राप्त होने वाली विशिष्ट कट की मोटाई 10 से 60 माइक्रोन के बीच होती है। क्रायो माइक्रोटोम कम टेम्परेचर सैंपल की कठोरता की बढ़ाने की अनुमति देता है, जैसे कि कांच के संक्रमण से गुजरना, जो अर्थ है थिन सैंपल की तैयारी की अनुमति देता है। सा माइक्रोटोम स्पेशल, मतलब विशेष रूप से हार्ड मटेरियल से जैसे तित और बोन्स के लिए किया जाता है, मतलब दांत और हड्डियों के लिए किया जाता है। न्यूनतम कट मोटाई लगभग 30 माइक्रो हैं। तुलनात्मक रूप से लार्ज सैंपल के लिए बनाई जा सकती हैं। वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम एक वाइब्रेटिंग ब्लेड का यूज़ करके कटिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें परिणामी कट को स्थिर ब्लेड के लिए आवश्यक दबाव से कम दबाव के साथ बनाया जा सकता है। वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम का यूज़ आमतौर पर डिफ़िकल्ट बायोलॉजिकल सैंपल के लिए किया जाता है। कट की मोटाई आमतौर पर जीवित टिश्यू के लिए लगभग 30 से 500 माइक्रोन और निश्चित टिश्यू के लिए 10 से 500 माइक्रोन होती है। लेसर माइक्रोटोम वैकल्पिक रूप से माइक्रोटोम के इस डिज़ाइन का यूज़ बोन्स और टीथ जैसी बहुत डिफ़िकल्ट सामग्री के लिए किया जा सकता है। सैंपल सामग्री के गुणों पर निर्भर, प्राप्त करने योग्य मोटाई 10 और 100 माइक्रोन के बीच है। अल्ट्रा माइक्रोटोम रूम के टेम्परेचर अल्ट्रा माइक्रोटोमी द्वारा तैयार अल्ट्रा थिन सेक्शन का एक रिबिन सेक्शन को काटने के लिए यूज़ किए गए हीरे के चाकू की नाव में पानी पर तैरता हुआ। नाइफ का ब्लेड पानी के घट के ऊपरी सिरे पर धार है। एक अल्ट्रा माइक्रोटोमी का एक मुख्य उपकरण है। यह अत्यंत थीन वर्गों की तैयारी के लिए अनुमति दे सकता है, मतलब पतले वर्गों के लिए, जिससे उपकरण एक रेडिशनल माइक्रोटोम के समान कार्य करता है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें।